हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके कुर्जी में। दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, पंजाब स्टेट एग्ज़ाम, इसके अलावा मास्टर कैडर, ईटीटी कैडर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर साबित होगी। तो पढ़ते हैं पूरी खबर को। उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा। मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। सरकार ने परीक्षा दाखिला नए स्तर के लिए कमेटी बनाई। UGC जारी करेगा संशोधित गाइडलाइंस। देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर उनका रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। सरकार ने इसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RC कुहाड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। UGC इसी हफ्ते अंतिम वर्ष के छात्रों और 2020 स्तर में दाखिला के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा सरकार ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अंतिम वर्ष में जुलाई में होने वाली परीक्षा ना लेने का फैसला लिया है। इसी के चलते कई अन्य राज्यों ने भी सरकार से परीक्षा ना करवाने की मांग रखी है। कमेटी बना दी है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों व हिताधिकारी से बात करके गाइडलाइन तैयार हो सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोरोना जारी रहा तो असेसमेंट से तैयार कर सकते हैं नतीजा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय व UGC की 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में प्रावधान दिया था कि यदि कोरोना हालात नहीं सुधरते तो अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर से रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। इसके लिए बस UGC को नई गाइडलाइंस जारी करनी होगी और उसके अनुसार ही विभाग को कार्य करके रिजल्ट बनाना होगा। तो पढ़ते हैं अगली खबर को। देश भर में अगस्त या सितंबर में नया स्तर नहीं होगा शुरू। देश में कोरोना मामले को देखते हुए अभी अगस्त या सितंबर में नया स्तर नहीं शुरू होगा। UGC ने अप्रैल में जारी गाइडलाइन में अगस्त में पुराने और सितंबर में नए छात्रों का स्तर शुरू करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन अब इसमें बदलाव होगा। अब अगस्त में कोरोना के हालात को देखते हुए नए स्तर को लेकर फैसला लिया जाएगा। संभावना है कि नया स्तर सितंबर या अक्टूबर तक टल सकता है। नेक्स्ट खबर दी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। PU में भी सभी सेमेस्टर की परीक्षा टलने के आसार। UGC को संशोधित गाइडलाइन जारी होने पर पंजाब विश्वविद्यालय व इसके संबंध 196 कॉलेजों के लगभग 2.5 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा से छूट मिल सकती है। हालांकि PU ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है विश्वविद्यालय UGC की गाइडलाइन आने पर आधिकारिक रूप से इसका ऐलान कर सकता है। कोरोना महामारी जब से शुरू हुई है तब से परीक्षा को लेकर विद्यार्थी तनाव में हैं। परीक्षा होगी या नहीं ये पता नहीं चल रहा। PU ने भी इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। उधर अभिभावकों का मानना है कि उनके बच्चों की जान कीमती है, परीक्षा तो अगले वर्ष भी दे लेंगे। UGC ने भी पहले कहा था कि बिना परीक्षा के विश्वविद्यालय छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं। PU ने पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें भी ये बात निकलकर सामने आई थी। नेक्स्ट खबर दी हुई है 12वीं क्लास के बारे में। तो 12वीं की बची परीक्षाओं पर सरकार, CBSE आज लेंगे अंतिम फैसला। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Take care.